अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की। फ्रांस की जानिब से एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया पाकिस्तान एम्बेसी ने, फ्रांस की एम्बेसी ने इन पाकिस्तान में जो है उसने एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया जिसका नाम था मेक ओवर प्लेनेट ग्रीन, जिसकी मैं अभी कुछ सेकेंड पहले आप देखें वीडियो अपलोड की फ्रांस प्रोग्राम का, 3 मिनट अगले ही मैंने इसको अपलोड किया है। यहाँ पे इसी एम्बेसी ने दूसरा स्कॉलरशिप अनाउंस किया है, सेम डेडलाइन है, सेम सब कुछ है, जिसका नाम है एक्सीलेंट मास्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये देखिए एक्सीलेंस मास्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो दो स्कॉलरशिप फ्रॉम इसने फ्रांस की एम्बेसी ने पाकिस्तान में अनाउंस किया फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। एक था मेक ओवर प्लेनेट ग्रीन, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज की बात की गई कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है एक्सीलेंस मास्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम फ्रांस यूनिवर्सिटीज का। अब इसके अंदर क्या लिखा है, दी एक्सीलेंस मास्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम फंडेड बाय द एम्बेसी ऑफ द पाकिस्तान इन पाकिस्तान इज फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रेजिडेंसिंग इन पाकिस्तान हु वांट टू एनरोल इन पब्लिक गवर्नमेंट फ्रेंच यूनिवर्सिटीज ओनली एट मास्टर टू लेवल के लिए। अब यहाँ पे प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं इसके अंदर, वैसे मैं उसको कंप्लीट डिटेल बना सकता हूँ, वो देख सकते हैं। ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये दो फील्ड ऐड की गई हैं, लेकिन वहां पे उस स्कॉलरशिप में ये नहीं थी, वहां पे जस्ट इसकी जिक्र किया गया था एनवायरमेंटल साइंसेज का। तो मास्टर टू डिग्री प्रोग्राम्स का क्या मतलब है या फिर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। मास्टर टू ऑफ द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन अर्बन प्लानिंग ICUP यूनिवर्सिटी ऑफ द वेनरेबल एल्प्स, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी दिया हुआ है कि ये प्रोग्राम कहाँ से ऑफर किया गया, किस यूनिवर्सिटी से है, वो सब कुछ है। अब इसका जो लिंक अभी दिए गए इन प्रोग्राम्स के, इसके बारे में मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि लिंक्स क्यों दिए गए हैं। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी गिवन है। मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी गिवन है। मास्टर सेकंड ईयर देख लेना, अब सेकंड टू का मतलब ये सेकंड ईयर के लिए बता रहे हैं कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज, सस्टेनेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इनोवेशन, मास्टर इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लॉ, मास्टर्स इन पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जनरल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट, लैंड यूज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इन वाटर, एयर पोल्यूशन, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल इंजीनियरिंग। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी एज 28 साल से ज्यादा ना हो, आपके पास 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए, 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम CGPA 3.5 आउट ऑफ 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिनिमम ये आप लोगों को पता चलेगा कितना होना चाहिए। जैसा कि मैंने उसमें बताया कि आपका जो गैप है आफ्टर स्टडी, आपका 2 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बैचलर के बाद, जैसा कि आप जॉब्स वगैरह करते हैं। दी एम्बेसी फ्रांस इन पाकिस्तान विल पे स्पेशल अटेंशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो इक्वालिटी होगा जेंडर बेस भी और प्रोवेंस बेस भी, यहाँ पे HSC की तरह कुछ नहीं होगा जैसे HSC में था कि वो अपनी मर्जी से जिसे मर्जी सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ पे एक जो है एक फार्मूला होगा जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके लिए। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सेम वैसा ही है, आपकी CGPA देखी जाएगी, दी क्वालिटी ऑफ स्टडी प्रोजेक्ट से मुराद ये रिसर्च प्रपोजल, जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसकी क्वालिटी देखी जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस देखी जाएगी, उसकी वर्थ देखी जाएगी कि इस स्कॉलरशिप के अंदर वो फ्रांस और पाकिस्तान या वर्ल्ड वाइड कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर वो रोल प्ले करता है। motivations of the applicant to study in France, ये आपका motivation letter है जिसको statement of purpose का नाम भी देते हैं। the language level of the English and of French, अब यहाँ पे देखें English level को उन्होंने बताया नहीं है, क्या आपके पास IELTS होना चाहिए, TOEFL होना चाहिए, तो आप यहाँ पे English proficiency certificate अपना send कर सकते हैं, उस बेस पे apply कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास IELTS या TOEFL है वो इस scholarship में must apply करे और वो इस इनकी जो requirements हैं उसको अगर meet करता है तो। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, 12 मंथ होगा इक्वलेंट टू 1 ईयर ऑफ मास्टर, जैसा कि मैंने बताया कि 2 ईयर मास्टर टू है, मास्टर टू का मतलब ये होता है कि 1 ईयर मास्टर जो वो था जिसका मैंने पिछले बताया मेक ओवर प्लेनेट ग्रीन जो वो स्कॉलरशिप का, वो 24 मंथ के लिए था, मीन्स वो 2 ईयर्स के लिए था, लेकिन ये 1 ईयर के लिए है। 1 ईयर के लिए इसलिए है कि इक्वलेंट टू मास्टर होता है, जैसा कि UK में 1 ईयर का मास्टर होता है और अमेरिकन कंट्रीज में भी 1 ईयर का मास्टर होता है, तो ये वाली चीज आपको दी जाएगी, आपकी डिग्री जो होगी वो मास्टर के इक्वल ही होगी। बेनिफिट्स इसके क्या हैं, एग्जेम्पशन ऑफ द फीस सेम वही है, फ्री वीजा एप्लीकेशन बिल्कुल वही है, फ्री हेल्थ ये भी बिल्कुल वही है, इजी एक्सेस टू पब्लिक स्टूडेंट हाउसिंग ये भी वही है, लेकिन
the flight ticket and the living expenses will be borne by the recipients. लेकिन इस scholarship के अंदर जो आपकी ticket होंगी जाने की यहाँ से और जो आपके living expenses होंगे, इसका मतलब है monthly stipend वो आपको नहीं दिया जाएगा. आपको जस्ट ऊपर वाली चार conditions होंगी, जो कि tuition आपकी free होगी, visa आपका free होगा, health insurance आपका free होगा और public student housing आपको accommodation just दी जाएगी. उसके अलावा monthly stipend और ticket आपने खुद लेनी है. तो अब जैसा किसी ने बताया, उन्होंने बताया कि कितना होगा, तो उन्होंने बताया मिनिमम ऑफ 615, मतलब कि 615 यूरो पर मंथ इज रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन टू कवर द लिविंग एक्सपेंसेस फॉर आवर इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक महीना फ्रांस में गुजारने के लिए कितने 615 यूरो चाहिए होंगे. अब 615 यूरो कितने बनते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ. जैसा कि इतना स्टाइफंड जो है पिछले में था, पिछले स्कॉलरशिप में जिसकी मैंने डिस्कस की उसी का खुला हुआ है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 615 यूरोज इन पाकिस्तान कितने बनते हैं. ये बनता है जी 97,680 रुपये आपका मंथली स्टाइफंड आप यहाँ पे खुद बेयर करेंगे फ्रांस के अंदर, जो आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करेगा. तो इसका मतलब ये होगा कि 1 लाख पर मंथ आपका अपना खर्चा होगा वहाँ पे अप्लाई करने का या वहाँ पे रहने का, वहाँ पे पढ़ने का. तो ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड ना हुआ. टाइमलाइन सेम इसकी भी वही है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 28 अप्रैल लास्ट है. इसका जो रिजल्ट है वो 3rd or 4th week of May 2019. इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ मे आपका इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं, अब एप्लीकेशन फाइल क्या है, आपकी CV होगी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 1 एडमिशन लेटर फ्रॉम अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी आर अप्रूव ऑफ द कंप्लीट. अब ये कंडीशन ऐसी है जैसा कि आप जब यूके में अप्लाई किया होगा अपने कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ शील्ड में, स्कॉटलैंड में, तो वहां पे था कि आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल लेटर आपको ऑफर होना चाहिए एडमिशन फ्रॉम दी यूके यूनिवर्सिटीज. तो ये भी यही है कि आपने क्या करना है, फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है. अगर तो वो आपको एडमिशन ऑफर कर देती हैं डेडलाइन से पहले तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने सिंपल अपनी एप्लीकेशन वहां पे सबमिट कर देनी है, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है. ये मेन इंपॉर्टेंट और रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए. आपकी तमाम डिग्रीज होनी चाहिए स्कैन फॉर्म में, हाईएस्ट लो एंड इंग्लिश सर्टिफिकेट. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसका एक फोल्डर बनाना है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का और इस ईमेल पे आपने सेंड कर देना है स्कॉलरशिप FRINPAK@gmail.com. ये उनका एक लिंक है, एक ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देनी है. अब हम चलते हैं ईमेल. जैसा कि अभी आपने पॉइंट देखा, पॉइंट 3, 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या 1 एडमिशन लेटर. तो ये सेम जैसा कि यहाँ पे लिंक दिया गया, मैं आपको बताता हूँ इस लिंक का मकसद क्या है. जैसा कि अब ये प्रोग्राम ऑफर किया गया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ग्लोबल प्लानिंग, तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का उस प्रोग्राम का लिंक दिया गया है. आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. कॉपी करने के बाद आप इसको जाएं गूगल पे, अपने URL पे इसको पेस्ट करें. URL पे जब आप पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक पेज ओपन होगा उस स्कॉलरशिप उस प्रोग्राम का. आप ये देखेंगे यहाँ पे ओपन हो गया मास्टर ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन द अर्बन प्लानिंग. ये यहाँ पे ओपन हो गया. ओपन होने के बाद यहाँ पे देखें हाउ टू अप्लाई. आपने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है. तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपने कुछ दिन वेट करना है, क्योंकि इनका कुछ ही दिनों के अंदर, हफ्ता दो हफ्ता या विद इन वीक, विद इन मंथ तो जो ज्यादा हो गया, लेकिन विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ जो है आपको इसका रिजल्ट ये बता देते हैं कि आपको एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, अनकंडीशनल है, कंडीशनल है, कि हमें कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है. तो वो आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एम्बेसी सेंड कर देना है. अगर तो नहीं होता, कोई टाइम लग जाता है, तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने जो सबमिट आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो सामने क्या होता है, रिजल्ट शो होता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड. तो आप अपने पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको सेंड कर देंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन अप्लाई थ्रू दी एप्लीकेशन ई कैंडिडेट. आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनका पोर्टल आ जाएगा और आप इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे लिंक्स देने का मकसद जस्ट यही था कि आप लिंक कॉपी करें. लिंक कॉपी करने के बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे. आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करें और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें जिस भी प्रोग्राम के लिए आप करना चाहते हैं. तो ये था दूसरा स्कॉलरशिप फ्रांस एम्बेसी इन पाकिस्तान से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन फिर बताते चलो ये फुली फंडेड नहीं है. एक्सीलेंट मास्टर स्कॉलरशिप, लेकिन जो मैंने पहले बताया जिसका नाम था मेक ओवर प्लैनेट ग्रेट अगेन, ये फुली फंडेड है. आपको 700 यूरो पर मंथ मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. तो आज के लिए इतना ही. दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश करें कि हमारे इस चैनल को, जैसा कि ये देख रहे हैं कैरियर हेल्प डेस्क के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप भी है जहाँ पे हम डील कर रहे हैं, और हमने चैनल भी बनाया जिसमें हम लोगों को गाइड कर सकें कि आपने कैसे सबमिट करने, क्योंकि वीडियो से या बाय वर्डिंग वर्बली समझना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत पढ़ने से. तो हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज आप तक
पहुंच सके। आप देख सकते होंगे, आप देख सकते हैं बल्कि वीडियोस पर जब आप क्लिक करते हैं तो हमारे तमाम स्कॉलरशिप जितने भी वर्ल्ड वाइड जहां से गए हैं, चाइना, कोरिया, तुर्की, यूके, अमेरिका, जो भी स्कॉलरशिप है, हमारी तमाम वीडियो के फॉर्म सबमिशन यहाँ पे अपलोड है। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।